नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है और इस यात्रा ने 107 दिन में करीब 3000 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया है। और आज आपको बता दें 108वें दिन यात्रा ने दिल्ली में एंट्री की है और यात्रा में राहुल गांधी के साथ जन सैलाब चल रहा है। चलिए लाइव तस्वीरें दिखाते हैं आपको कि दिल्ली में राहुल गांधी की यात्रा किस तरह चल रही है। तो आज यात्रा ने बदरपुर बॉर्डर से सुबह दिल्ली में प्रवेश किया और यात्रा करीब 10:30 बजे जयदेव आश्रम और आश्रम चौक के पास पहुंचेगी। बता दें आपको कि शाम को करीब 4:30 बजे लाल किले पर जाएगी। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा को जो इस माहौल में घुसा हुआ महसूस कर रहे हैं, लोगों को बांटने का काम हो रहा है। शुरुआत करने के लिए भारत को जोड़ने का जिस तरीके से कोविड की गाइडलाइंस और चिंताएं जताई जा रही है, इस यात्रा का क्या स्वरूप होने जा रहा है? जैसे यात्रा में भागीदारी बढ़ेगी काफी और आशंकाएं जताई जा रही है। जो आप ये बताए जिस तरीके से हुजूम लगा हुआ पूरा, ये सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता है या आम जनता की भागीदारी? आगे आप जाओगे जामिया के बच्चों ने लगा रखा, पीछे अनुसार फैमिली वालों ने टेंट लगा रखा था, सफेदे कुश्ती है सफेदों ने लगा रखा था, आगे कालका जी आटो लगा रखा है। आम लोगों की भागीदारी क्या क्या है? जिस तरीके से 2024 के चुनाव है, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि पूरी तरीके से राजनीति से और वोट पूरी थे। देखिए, पहली बात तो इसका राजनीति से कोई लेना नहीं। दूसरा, अगर भारत को जोड़ने की आवाज इनको राजनीतिक लगती है तो ये राजनीतिक आवाज है। राहुल गांधी हाँ वकील, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हुजूम है लोगों का, वो अपने आप में बनता है। धीमी धीमी धूप छाई हुई है लेकिन हर तरफ झंडे झंडे दिखाई दे रहे हैं, दो भी लोग दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरीके से, हालांकि शासन मुस्तैद है, दिल्ली पुलिस मुस्तैद है, ट्रैफिक को जैसे सुचारू रूप से चलता है वैसे चलाया जा रहा है। एक तरफ से सड़क खोली गई है और दूसरी तरफ से यात्रा भी अभी चल रही है और यहाँ पर सभी मजहब के लोग दिखाई दे रहे हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके सब यहाँ नजर आ रहे हैं। और आज जो शनिवार की जो सुबह है वो सुबह कांग्रेस इस उम्मीद में चल रही है कि वो सुबह तो कभी आएगी जिस सुबह का कांग्रेस को इंतजार है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन सामने है। अगर उसको सामने देखा जाए तो और ये हुजूम को देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी में जोश हो रहा हो ना हो रहा हो, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पूरा जोश नजर आ रहा है। हर जगह जो है वो झंडा दिखाई दे रहा है, हर जगह से, सिर्फ दिल्ली से नहीं, दिल्ली के बाहर के भी लोग इसमें आए हुए हैं। आरडब्ल्यू के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार इस तिरंगा यात्रा में अपने आप को जोड़े हुए हैं। अभी सामने से जो है राहुल गांधी का काफिला आने वाला है और लोग उसी के इंतजार में खड़े हैं। हम भी इंतजार में, राहुल से पूछना चाहेंगे कि आखिर इस यात्रा का असल मकसद क्या है। भविष्य तो दिल्ली पहुंचे भारत जोड़ो यात्रा और इसको लेकर लगातार जन सैलाब देखने को मिल रहा है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं किस तरह से जन सैलाब जो है भारत जोड़ो यात्रा की देखने को मिल रही है। बता दें आपको कि 10:30 बजे जयदेव आश्रम और आश्रम चौक के पास ये यात्रा पहुंचेगी और शाम करीब 4:30 बजे लाल किले पर राहुल गांधी जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी यहां पर संबोधित कर सकते हैं और यात्रा के रूट में बड़ी संख्या में लोगों और वाहनों के शामिल होने की उम्मीद है। हम आपको बता दें कि मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर मारूफ रजा, जो लगातार अपडेट दे रहे हैं। इसी के साथ ही हमारे दिल्ली ब्यूरो हेड सैयद मुबस्सिर भी मौके पर मौजूद हैं, जो लगातार वहां से अपडेट देते जा रहे हैं। और इसी को लेकर कांग्रेस नेता ने मेगा शो की तैयारी की थी और खुद राहुल गांधी ने विपक्षी दलों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए बुलावा जो भेजा था। और इसके साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखकर आज यात्रा से जुड़ने की भी अपील की थी। तो राहुल गांधी आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। और तय हुआ है कि भारत जोड़ो यात्रा बदरपुर बॉर्डर से अपोलो अस्पताल होकर आश्रम तक
ये जानी है। आपको बता दें कि इसको लेकर लगातार अपडेट सामने आ रही है, जहां पर भारी संख्या में भारत जोड़ो यात्रा में जन सैलाब देखने को मिल रहा है और इस जन सैलाब कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और 108वें दिन ये यात्रा दिल्ली में एंट्री कर चुकी है और यात्रा में राहुल गांधी के साथ जन सैलाब चल रहा है और तिरंगा लिए लगातार जन सैलाब देखने को मिल रहा है। और आज यात्रा ने बदरपुर बॉर्डर से सुबह दिल्ली में प्रवेश किया, जिसको लेकर भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 108वें दिन का जन सैलाब आज देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है और इस यात्रा ने 107 दिन में करीब 3000 किलोमीटर का सफर पूरा कर लिया है। आज 108वें दिन यात्रा ने दिल्ली में एंट्री की है और जिसको लेकर अब यहां पर जन सैलाब जो है जनता का वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और लोग जो है काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इसका जो नतीजा होगा वो आने वाले विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। और यात्रा में राहुल गांधी के साथ ये जो जन सैलाब चल रहा है और यात्रा सुबह बदरपुर में ही बॉर्डर में सुबह दिल्ली में प्रवेश किया और इसको लेकर यात्रा करीब बताया जा रहा है कि 10:30 बजे जयदेव आश्रम चौक के पास पहुंचेगी और शाम को करीब 4:30 बजे लाल किले पर राहुल गांधी संबोधित भी कर सकते हैं, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। तो आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम दिल्ली से, जहां पर भारत जोड़ो यात्रा की जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बता दें आपको कि तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जन सैलाब जो है वो देखने को मिल रहा है और काफी लोग इस जन सैलाब में शामिल हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा जहां पर राहुल गांधी अपना दम दिखा रहे हैं और इसी के साथ ही आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है कांग्रेस नेता मेगा शो की तैयारी की थी और इसको लेकर खुद राहुल गांधी ने विपक्षी दलों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए भी बुलावा भेजा था। राहुल ने चिट्ठी लिखकर आज यात्रा से जुड़ने की भी अपील की है और राहुल गांधी आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। तो तय हुआ है कि भारत जोड़ो यात्रा बदरपुर बॉर्डर से अपोलो अस्पताल आश्रम तक और इसके साथ ही आपको बता दें कि धर्मशाला में लंच और विश्राम होगा, ये भी जानकारी सामने आ रही है। उसके बाद फिर निजामुद्दीन इंडिया गेट सर्किल, वहां से आईटीओ दिल्ली कैंट और दरियागंज होते हुए लाल किला पहुंचेगी। तो लाल किला से फिर राहुल गांधी के साथ कुछ नेता और कार से ही राजघाट, वीरभूमि और कई नेता वहां पर पहुंचेंगे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जन सैलाब अब दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें शनिवार रात से ही यात्रा पर 9 दिन का ब्रेक लगेगा और उसके बाद यात्रा 3 जनवरी से उत्तर प्रदेश से शुरू होगी और 3 जिलों को कवर करेगी। यूपी के जिला गाजियाबाद और लोनी बॉर्डर से भारत जोड़ो यात्रा एंट्री करेगी और इसके बाद 4 जनवरी को बागपत और 5 जनवरी को शामली और 6 जनवरी को केराना से होकर दूसरे चरण में हरियाणा के सोनीपत जिले में प्रवेश भी कर पाएगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पंजाब और जम्मू कश्मीर के लिए रवाना भी होगी। बताते चले आपको कि 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू की गई यात्रा ने अब तक 9 राज्यों को कवर कर लिया है, जिनमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा शामिल है। हालांकि हरियाणा में दूसरा फेज होना बाकी है। यात्रा ने 16 दिसंबर को राजस्थान में 100 दिन पूरे किए हैं। तो दिल्ली में भी अब भारत जोड़ो यात्रा का जन सैलाब जो है वो देखने को मिल रहा है और दिल्ली वासियों ने भव्य स्वागत किया है राहुल गांधी का। आपको बता दें कि इसको लेकर जन सैलाब जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा में कई लोग शामिल हो चुके हैं और ये भी तय हुआ है कि राहुल गांधी आज संबोधित भी कर सकते हैं, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। तो राहुल गांधी आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा बता दें आपको कि बदरपुर बॉर्डर से अपोलो अस्पताल होकर आश्रम जाएगी। तो दोपहर में आश्रम चौक के पास धर्मशाला में लंच और विश्राम होगा, फिर इसके बाद ही निजामुद्दीन इंडिया गेट सर्किल और वहां से आईटीओ दिल्ली कैंट के भारत जोड़ो यात्रा जो है पूरे देश को जोड़ने की यात्रा चली जा रही है। इसका करियर क्या, इसका सामाजिक सरोकार है या राजनीतिक उद्देश्य से जी, या राजनीतिक पक्ष से निकाली है ये जी? लेकिन जिस तरीके से कोविड की गाइडलाइन शुरू हुई है, क्या यात्रा का स्वरूप यही रहेगा या इसकी शक्ल बदलेगी? फॉलो करेंगे जी, क्या इस यात्रा से सत्ता पक्ष में जो बेचैनी है
वो बेचैनी और बढ़ती जा रही है जिस तरीके से यात्रा आपको खास तौर से कांग्रेस टारगेट करने की बात कर रही है। तो दिल्ली में एंट्री होने के बाद लगातार कोरोना गाइडलाइंस की भी बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि चिट्ठी लिखकर भारत को बोलूंगा कि ये पूरे हुजूम को दिखाएं, जिस तरीके से भीड़ आ रही है, हर जगह से लोग नजर आ रहे हैं, गाड़ियों में है, रिक्शों में चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और मीलों से चल रहे हैं। सबके हाथ में तिरंगे हैं, झंडे हैं, कांग्रेस के झंडे हैं और जो जज्बा दिखाई दे रहा है वो अजीब गरीब है। तो लगातार दिल्ली पहुंची भारत जोड़ो यात्रा में जनसैलाब देखने को मिल रहा है, वहीं भारी संख्या में जनसैलाब देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हो चुकी है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी